नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। उद्योग प्रसार अधिकारी, जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसका परिणाम और कट ऑफ वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हम अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ आप न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर 2018 रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका इसमें चयन हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। और कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या था और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं आज की। उद्योग प्रसार अधिकारी पद हेतु राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने ये 60 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। और इसके लिए जो एग्ज़ाम था वो 22 जुलाई 2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने इस भर्ती का एग्ज़ाम दिया था। और जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनके रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ जानते हैं कि कट ऑफ कितनी गई। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जनरल बॉयज़ की 82.27 यहाँ पर कट ऑफ गई है, फीमेल्स में 76.98, यानी 77 हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी में बॉयज़ की जो कट ऑफ गई है वो 73 गई है, फीमेल्स की 63। यहाँ आप देख सकते हैं कट ऑफ की पूरी जानकारी दी गई है। एसटी कैटेगरी में जनरल बॉयज़ की 72.74 गई है और फीमेल्स की 66। और इसी तरह से ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 82.27। यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट गई है, समान गई है, 82.27। लेकिन फीमेल्स की कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 नंबर का, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक्स सर्विस मैन, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी की जानकारी दी गई है। इसके पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया है, उनकी भी पूरी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है। जो भी प्रश्न पत्र का जो सेट था, उसमें क्वेश्चन नंबर कौन से डिलीट किए गए हैं, वो सारी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और प्राप्त अंकों की गणना करने का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। और जिन विद्यार्थियों का इसमें चयन हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिनका चयन हुआ है, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना निम्न, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन, दिनांक यहाँ पर 3 अक्टूबर 2018 को प्रातः 11 बजे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर दुर्गापुरा में की जाएगी। तो जिनका भी इसमें चयन हुआ है, प्लीज़ वो जो भी ये डेट दी गई है 3 अक्टूबर प्रातः 11 बजे, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जरूर पहुँचें। और आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे ये न्यूज़ बाकी के विद्यार्थियों तक पहुँच सके और जिनका चयन हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सके। तो ये अधीनस्थ बोर्ड का ये अपडेट था, अभी कुछ ही देर पहले इसका परिणाम जारी किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, और आगामी भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट्स आप चैनल के माध्यम से आगे भी रेगुलर प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।